हाड़ौती क्षेत्र कोटा बूंदी बारा झालावाड़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हाड़ौती न्यूज ऐप। पिछले 10 महीने से वीरान पड़ी शिक्षा के काशी कोटा अब फिर से शिक्षा के पंचियों से चहचाने वाली है। सरकार ने साफ कर दिया है कि 18 जनवरी से दोबारा कोटा की कोचिंग संस्थान शुरू हो सकेंगी। कोचिंग संस्थान और कोटा जुट गया है। कोटा आने वाले उन छात्रों के स्वागत में जो कोटा मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षा की तैयारी के लिए कोटा का रुख करते हैं, जहां जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी करते हुए कोटा की कोचिंग संस्थानों को कोविड-19 को देखते हुए तमाम माकूल इंतजाम करने के आदेश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर कोचिंग संस्थान भी अपनी ओर से छात्रों की सेहत को ध्यान में रखते हुए तैयारी में जुट गए हैं। यहां तक कि कोटा के कोचिंग संस्थान ने तो अपनी मेडिकल व्यवस्था भी तैयार कर ली है। राज्य सरकार द्वारा 18 जनवरी से कोचिंग में ऑफलाइन क्लासेस शुरू करने की अनुमति देने के साथ ही करियर एवं कैरियर सिटी कोटा में फिर से जीवंतता नजर आने लगी है। शहर के ऐसे इलाके जहां कोचिंग संचालित होती है वह हलचल शुरू हो गई है। कोचिंग संस्थानों के साथ साथ हॉस्टल में भी स्टूडेंट्स को स्वच्छ और सुरक्षित माहौल देने के लिए राज्य सरकार की गाइडलाइन की पालना के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। जिला प्रशासन ने अपनी ओर से कोचिंग संस्थानों और हॉस्टल को सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन के साथ तैयारी करने की हिदायत दी है। 18 जनवरी से कोचिंग में ऑफलाइन क्लासेस शुरू करने की अनुमति देने के साथ ही करियर एवं कैरियर सिटी कोटा में फिर से जीवंतता नजर आने लगी है। शहर के ऐसे इलाके जहां कोचिंग संस्थान और हॉस्टल को सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन के साथ तैयारी करने की हिदायत दी है। वहीं अगर बात की जाए कोटा की कोचिंग संस्थानों की तो कोचिंग संस्थानों ने अपनी ओर से शहर में बेहतर माहौल बनाने तथा कोविड गाइडलाइंस की पालना सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है। क्लासेस शुरू होने की अनुमति मिलने के साथ ही अब बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स जल्द ही कोटा आएंगे। उन्हें स्वस्थ और सुरक्षित माहौल मिले इसके लिए क्लासेस को सैनिटाइज करने के लिए नई नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्लासरूम में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्टूडेंट्स में बैठने की व्यवस्था की गई है। एक बेंच पर एक ही छात्र बैठना तय करते हुए मार्क की गई है। परिसर में चलने के लिए भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए मार्क कर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया है। इतना ही नहीं, अगर इसके बावजूद भी कोई छात्र संक्रमित हो जाता है तो उसके इलाज के लिए कोचिंग संस्थान ने अपना ही अस्पताल तैयार कर लिया है और आइसोलेट करने की पूरी व्यवस्था भी की गई है। आप ही सुनिए क्या कहते हैं कोटा के एलन करियर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर नवीन महेश्वरी। देखिए, जब बच्चे यहाँ से गए थे उस समय भी जब ये लॉकडाउन लगा था तो 50,000 बच्चे यहाँ रह रहे थे, तो तैयारियाँ तो हमारी तब से चल गई थी कि उस कोरोना काल हमने यहाँ पे बच्चों के साथ 1.5 महीने निकाला। तो उसके बाद हमने उनको भेजने में जो तैयारी करी उसी तरह से हमने उनके आने की तैयारी भी सोची थी कि 1.5 महीने बाद 2 महीने बाद जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हम फिर बुलाएंगे इनको। तैयारियां बहुत पहले से चल रही, कई तरह की जो गाइडलाइंस हैं वो हम लोगों ने मिलकर सरकार के साथ
पढ़ने के दौरान, तो उसके ट्रीटमेंट का भी आप लोगों ने पूरी व्यवस्था करके रखी हुई है? देखिए, ये ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास ऑलरेडी, हम लोग ये पिछले कई वर्षों से बच्चों के साथ में हमारे पास खुद के एनरोल डॉक्टर्स रहते हैं, जो कि हमारे पास हमेशा 7 से 8 संख्या में फिजिशियंस हमारे पास हमेशा रहे, और इसके साथ मेडिकल स्टाफ भी हमारे पास हर बिल्डिंग में रहता है। प्लस अब की बार एक आपको मैंने बताया, इसके साथ एक हॉस्पिटल भी अब डेवलप हो गया है, उसके लिए हमने कई कंसल्टेंट्स को और हमारे साथ जोड़ लिया है, क्योंकि वो सब जिन्होंने उनमें से कई लोग पिछले कई महीने से कोरोना के पेशेंट्स को भी ट्रीट कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें एक साथ तैयार है। और एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि कोटा तो इन बच्चों के लिए इस कोरोना काल में दोनों तरीके से एक इसलिए यूनिक हो गया कि ना तो वो बहुत सारी दुनिया के बीच में रहेंगे, अपने कमरे में अकेले रहेंगे, पढ़ाई के लिए आएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग मास्किंग सब फॉलो करी जाएगी, क्योंकि उनके साथ अनुशासन हम लोग मेंटेन करवा सकते हैं। हम एक किसी सब्जी मंडी का अनुशासन हम नहीं बनवा सकते, लेकिन हमारी क्लास का अनुशासन हमारे हाथ में रहता है। हमारे टीचर्स को हमने पूरी ट्रेनिंग दी है कि वो कैसे इस चीज़ को फॉलो करेंगे, और ये सब चीज़ें बहुत एक एक माइन्यूट लेवल पे, एक एक बिंदु पे इस पर चर्चा होकर इसकी तैयारी करी गई। राज्य सरकार ने भले ही कोचिंग खोलने की अनुमति दे दी है, जिला प्रशासन और कोचिंग संस्थान भी बच्चों के आने के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं, लेकिन सवाल अभी भी यही है कि जिन हालात में कोटा से बच्चों को रेस्क्यू कर अपने अपने घर पहुंचाया गया था, क्या उसके बाद उनके माता पिता उन्हें दोबारा कोटा भेजने को राजी होंगे, क्योंकि कोरोना तो अभी भी मौजूद है। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज़, और प्रेस करें बेल आइकन को।